बहरिया टाउन की ये बिल्कुल प्राइम लोकेशन के अंदर ये टेने कमर्शियल है। कमर्शियल जगह पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें और फ्यूचर अगर आप देखें तो ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है इंशाल्लाह ताला। अच्छा लाइफस्टाइल, वाकई बिल्कुल हकीकत यही है कि वाकई बहुत अच्छा लाइफस्टाइल है। सहगल 911 एसोसिएट्स के कमर्शियल मंसूबे सहगल 911 टावर बहरिया टाउन की प्री लॉन्चिंग तकरीब का इनेकाद हैदराबाद के मुकामी होटल में किया गया। तकरीब में शहर की सियासी, समाजी, ताजिर, फलाही शख्सियात समेत मौजूदी ने शहर बड़ी तादाद में शरीक हुए। सहगल 911 एसोसिएट्स के CEO शान सहगल ने मेहमानान का इस्तकबाल किया और सहगल 911 टावर बहरिया टाउन के बारे में तफसीलात से आगाह किया। उन्होंने बताया कि सहगल 911 टावर बहरिया टाउन 10A में वाके एक जबरदस्त कमर्शियल मंसूबा है और बहरिया टाउन में अपना घर और कारोबार करने की ख्वाहिश सबकी है। उन्होंने बताया कि सहगल 911 टावर्स हर लिहाज से बेहतरीन मंसूबा है। ग्राउंड प्लस 6 मंजिला कमर्शियल मंसूबे में हर मंजिल पर 2 बड़े कमर्शियल स्पेस रखे गए हैं और सहगल 911 टावर न सिर्फ अपना दफ्तर बनाने के लिए मौजू तरीन है बल्कि सरमायाकारी के हिसाब से भी सुनहरी मौका है। उन्होंने मजीद बताया कि बहरिया टाउन में बैनुल अक्वामी मयार की सहूलियात मौजूद है जबकि बहरिया टाउन बिजली व गैस लोड शेडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, सेवरेज समेत दीगर बुनियादी मसाइल से पाक है। उन्होंने शहरियों से अपील की कि वो अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए सहगल 911 टावर्स में बुकिंग करवाएं। उन्होंने ये भी बताया कि लॉन्चिंग से पहले बुकिंग करवाने वाले अफराद को 10% डिस्काउंट भी दिया जाएगा। तकरीब में स्मॉल चैम्बर के साबिक सदर सलीमुद्दीन कुरैशी, अकरम अंसारी, दौलत राम लोहाना, मेमरान मोहम्मद अल नासिर, मोहम्मद वसीम, शेख अहमद हुसैन, गुरमुखदास, जिमखाना के मेंबर इफ्जाल अकराम समेत दीगर भी मौजूद थे। अच्छा, आज हमारा जो प्रोजेक्ट के बारे में बात हुई वो 911 सहगल बहरिया टाउन के बारे में था और सहगल 911 का टावर जो है ये बेसिकली हम बनाने जा रहे हैं टेने कमर्शियल के अंदर और बहरिया टाउन की ये बिल्कुल प्राइम लोकेशन के अंदर ये टेने कमर्शियल है और इस टेने की प्राइम लोकेशन के ऊपर हमारा प्रोजेक्ट है क्योंकि यहाँ बड़ा बहुत ही हाइटेड लोकेशन है और इसकी ख़ास बात यह है कि यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 हज़ार घर इसके आसपास मौजूद हैं और जितना भी कमर्शियल एक्टिविटी होती है वो इसी एरिया के अंदर होती है। इसके अलावा बहरिया टाउन में जितने भी कमर्शियल हैं वहाँ पर पॉपुलेशन अभी ना होने के बराबर है तो बहरिया टाउन की तकरीबन 60 से 70 पॉपुलेशन इस वक्त यहाँ पे हमारी टेने कमर्शियल के अंदर है तो हम चाहेंगे कि लोगों से कि यहाँ पर हम लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करें और इसलिए कि आज हम हैदराबाद के और कुछ लोगों से मिले थे जिनमें हैदराबाद चैम्बर के लोग भी शामिल थे, हैदराबाद जिमखाना के लोग भी थे, उसके अलावा भी हमारे शहर के मौजूदीन शामिल थे तो उन सब से हमने कहा कि हम उनको बताया क्योंकि मेरा ताल्लुक क्योंकि हैदराबाद शहर से है तो हमने हैदराबाद के लोगों को कहा कि आप एक ऐसी जगह जो एक बेहतर ज़िंदगी है वहाँ पर आप कारोबार भी कर सकते हैं, आप रहना भी चाहें तो रह सकते हैं, एक बेहतर जगह है तो आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें और उसके अलावा भी कोई भी काम आपको ज़रूरत हो किसी भी हवाले से कहीं इन्वेस्टमेंट करनी हो तो उसके लिए हम हाज़िर हैं। ये सब बताने के लिए हमने आज रॉयल ताज रेस्टोरेंट हैदराबाद के अंदर यहाँ पर हम आए और यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट के बारे में भी बताया और दूसरी चीज़ों के बारे में बताया तो बहुत से लोगों के सवाल जवाब थे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे, वो सारी चीज़ें हमने उनकी क्लियर की तो यहाँ पर साइट के लोग भी मौजूद थे, चैम्बर के लोग भी मौजूद थे, जिमखाना के भी लोग थे, काफ़ी सारे लोग थे, डिफरेंट स्कूल ऑफ थाट्स के लोग मौजूद थे यहाँ पर तो ये सारी चीज़ें थी इसलिए हमने सब उनको रिफाइन किया और सारी बातें बताई। बहुत बहुत शुक्रिया। 11 टावर की आज प्री लॉन्चिंग इनॉग्रेशन सेरेमनी थी। हम लोग दी प्रोफेशनल एसोसिएट इसको मार्केट कर रहे हैं और इसके साथ कर रहे हैं बहरिया टाउन में इन्वेस्टमेंट के हवाले से एक कमर्शियल जगह पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें और फ्यूचर अगर आप देखें तो ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है इंशाल्लाह ताला। अगर आप इसकी साइट विज़िट करें और इसको फॉलो करें तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू। आज की जो सेरेमनी थी सहगल 91 के नाम से एक बिल्डर बने हैं हमारे दोस्त हैं शान सहगल भाई, बड़े अच्छे हैं, आप सभी उनको जानते हैं और बहरिया में इन्होंने कमर्शियल प्रोजेक्ट अनाउंस किया है जिसकी आज इन्विटेशन हमारे यहाँ थी। बहुत अच्छा लगा कि वैसे भी बहरिया में तो बहुत बड़ा स्कोप है काम करने के लिए ख़ास करके कमर्शियल के लिए, तो हैदराबाद के लिए बड़ी अच्छी बात है कि हैदराबाद का बिल्डर है शान सहगल, अगर वो वहाँ पर काम कर रहा है तो हैदराबाद के लिए जो भी इन्वेस्टर हैं उनके लिए बड़ा ट्रस्टवर्दी होगा और हमारी नेक ख्वाहिशें इनके साथ हैं और अल्लाह इनको कामयाब भी करे और इंशा अल्लाह हम भी इनका साथ देंगे। थैंक यू वेरी मच। शान भाई की जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च होता है उससे पहले मैं वहाँ विजिट किया, मैंने वहाँ देखा भी तो जितनी बातें शान भाई ने बताई हैं कि जो यूनिवर्सिटी है वहाँ हेड ऑफिस का, हॉस्पिटल का, अच्छा लाइफस्टाइल, वाकई बिल्कुल हकीकत यही है कि वाकई बहुत अच्छा लाइफस्टाइल है वो।
तो मेरा तो साथी और दोस्तों से मशवरा यही है कि उनको वहाँ जाना चाहिए, एक विज़िट करें, कम अज़ कम विज़िट करें, वहाँ पर मीटअप करें शान भाई से, और बहुत बेहतर इंशाल्लाह आपकी सोच में तब्दीली आएगी इंशाल्लाह ताला। बहुत अच्छा माशाल्लाह, ये जो इन्होंने हैदराबाद में इंट्रोड्यूस कराया है इस पर हमें बहुत फ़ख्र है, ख़ास करके कि ये पहली दफ़ा बैरिया के हवाले से ये चीज़ हुई है, और शान भाई की बहुत मेहरबानी, 9/11 इन्होंने यहाँ किया है, इनके साथ नेक तमक्कात है हमारी, इंशाल्लाह अल्लाह अच्छा करेगा। तो हम लोग भी इन्वेस्टर हैं, अपनी कोशिश करेंगे इसमें, जैसे जैसे हमें मिलता जाएगा तो हम करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।